वेलकम टू माय चैनल अमृता कुकिंग क्रिएटिविटी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज बनाने जा रहे हैं बैंगन मसाला, मराठी स्टाइल में बनाएंगे। हम यहाँ पे छोटे छोटे बैंगन लेंगे। बैंगन के ऊपर के डंडी को थोड़ा छोटा कर लेंगे, पूरा नहीं काटेंगे। नीचे के दो कट लगा देंगे जैसे कि बैंगन से डंडी अलग ना हो। देखिए इस तरह सभी बैंगन को काट लेंगे। अभी हाफ कप नारियल, 1/4 कप फ्राई किए हुए बादाम और 1/4 कप सफ़ेद तिल लग जाएंगे। सभी चीज़ों को मिक्सर जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। पानी नहीं देंगे, अच्छे से पीस लिए है तो एक बर्तन में निकाल देंगे और उसी में लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। हम एक ही साथ नमक ले रहे हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर बैंगन में मसाले भर देंगे। सभी बैंगन में मसाले भर दिए हैं। बाकी मसाले बाद में यूज करेंगे। गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाकर 3-4 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद बैंगन डाल देंगे। कवर ढककर कुक कर लेंगे। एक तरफ कुक होने के बाद दूसरी तरफ पलट देंगे। अच्छे से फ्राई होने के बाद एक बर्तन में निकाल देंगे। उसी कढ़ाई में यूज करेंगे जीरा 1 चम्मच और बारीक कटे हुए अदरक डालकर भून लेंगे। गैस फ्लेम को लो कर दें और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे। तेल में लाल मिर्च पाउडर डालने से कलर आता है। टमाटर प्यूरी डाल देंगे। हल्दी पाउडर 1 चम्मच डालकर मिला दें। हमारे बचाए हुए मसाले डाल देंगे। एक कप पानी डाल देंगे। गरम मसाला 1 चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच डालकर मिला देंगे। कवर ढककर एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आने के बाद सारे बैंगन को डाल देंगे। ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले से बैंगन को फ्राई किए थे। सिर्फ 2-3 मिनट के लिए कवर ढककर कुक कर लेंगे। हमारा तैयार हो गया है मसाला बैंगन। ऊपर से धनिया पत्ता गार्निश करके
सर्व कीजिए।